Hello children, welcome to Devati Modi Public School, class 4th, Subject Science. Today we are going to start chapter number 5, Matter and its states, part 1. Dear children, in this part you will know about the matter, what the matter is and what the matter is made up of. You will also know about its different state, and in the end of the part, you will be able to know about different properties of the states of matter. चलिए अब हम लेसन समझने की कोशिश करते हैं। Before I define matter, just go through the picture shown here. इस पिक्चर को देखकर क्या समझ आता है? हम ये समझ सकते हैं कि इस पिक्चर में मैंगो बनाना से हैवी है लेकिन कितना हैवी है जब हमें इस बात का पता चले कि कोई चीज़ हल्की है या भारी है या कितनी हैवी लाइट है तो हम उसे उसका मास कहते हैं ठीक इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देखिए इस पिक्चर में एक बॉटल में लिक्विड है जिसे हम ग्लास में डालना चाहते हैं क्या ये बॉटल का लिक्विड इस ग्लास को पूरा फिल कर सकता है और क्या ये पूरा लिक्विड इस ग्लास में आ जाएगा लेट्स सी ये ग्लास इस बॉटल से साइज़ में छोटा है तो ये लिक्विड इस ग्लास में कंप्लीटली फिल नहीं होगा एंड इस ग्लास में जितना फिल होगा उसके अलावा कुछ क्वांटिटी इस लिक्विड की बच जाएगी इट मींस अगर हम ये देखें कि कोई भी लिक्विड या जब हम किसी दूसरे कंटेनर में इसको डालते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो कंटेनर कितना बड़ा है या छोटा है जिससे वो लिक्विड उसमें फिल हो जाए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लिक्विड बच गया है और वो ओवरफ्लो कर जाएगा अगर हम उसको कॉन्टीन्यूसली डालते रहेंगे इट मीन्स वॉट इसका मतलब ये हुआ कि जितना पानी उस ग्लास के अंदर आ सकता है

जितना स्पेस ये कवर करेगा इस स्पेस को हम उस बॉक्स का वॉल्यूम कहेंगे सो वॉल्यूम इज़ वॉट वॉल्यूम इज़ कैपेसिटी और इट इज़ एन ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट इन बॉटल्स में आप देखिए अलग अलग क्वांटिटी में यहाँ पर लिक्विड फिल है वन लीटर टू लीटर इस तरह से तो ये क्या है ये इनकी कैपेसिटी है इनका ये वॉल्यूम है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टर्म्स वॉल्यूम एंड मास द मैटर इज डिफाइंड सो वॉट इज मैटर मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इस एंटायर यूनिवर्स में हम जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ देखते हैं उन सब का अगर मास या वॉल्यूम है या वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो वो मैटर होगा इंक्लूडिंग प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सो हम सब क्या हैं हम सभी मैटर हैं क्यों क्योंकि हमारा अपना एक मास है एंड हम स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं दैट्स वाई वी ऑल आर मैटर चाहे वो कोई गैस हो चाहे कोई वो लिक्विड हो एनी थिंग सो वंस अगेन विल रिवाइज मैटर इज वॉट मैटर इज एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कोई भी मैटर छोटे से छोटे पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है this particle is called as molecule so matter is made up of tiny particles called molecules these molecules exist independently in the matter and the molecules are so small that we cannot see with our naked eyes so we need a highly magnified electron electron microscope so that we can see दीज मोलिक्यूल्स स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स ए मैटर हैज थ्री स्टेट्स दैट मीन्स मोलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है मोलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज हैं किसी मैटर में उस बेस पर तीन स्टेट्स हो सकती हैं किसी भी मैटर की एंड देट आर Number one, solid. Number two, liquid. And number three, it is gas. But there is one more state that is called as plasma. Generally, solid, liquid, and gas, ye teen state earth ke upar hoti But the fourth one, plasma, this state is found in the stars. So, we will consider here. Only three states solid, liquid, and gas, and we'll know about the properties of these three states. Things like ice, stone, paper are hard to touch. These are solids. These are solids because in these the molecules are very closely arranged, and because of that reason.

देर इज नो स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सो द सॉलिड इज फिक्स इन शेप चाहे आप उसे किसी भी कंटेनर में रखें उसका शेप चेंज नहीं होता एंड इट हैज़ ऑल्सो फिक्स वॉल्यूम द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड एज वी नो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है एंड दे कैन फ्लो वाई बिकॉज इन लिक्विड स्टेट द मोलिक्यूल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स लिक्विड के अंदर जो मोलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ी गैप्स में होता है इट मीन्स मोलिक्यूल्स के बीच में हम देखेंगे कि स्पेस होता है और उस स्पेस होने की वजह से जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मोलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन ये स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके चले जाएं। एंड ये मॉलिक्यूल्स चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं इट मीन्स उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है सो so, The liquids do not have any fixed shape but has fixed volume because of the arrangement of these molecules. इनके बीच में स्पेस होने की वजह से ये फ्लोट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पानी को या किसी और लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम चेंज करें उसे तो उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है लेकिन वो शेप जिस कंटेनर में जाता है उसी का वो ले लेता है चाहे आप किसी बाउल में डालिए चाहे आप किसी ग्लास में डालिए शेप ग्लास में होगा वाटर तो वो वाटर ग्लास का शेप ले लेगा इस तरह से किसी भी लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड्स हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस देन

not sticky they are like sweet in taste मीठे होते हैं for example ऐसे बहुत सारे liquids हैं जिसे जिसका taste मीठा होता है जैसे juices different types of juices कुछ liquids edible होते हैं it means ऐसे liquids जिसे हम food की तरह कंज्यूम कर सकते हैं एंड दी एडिबल लिक्विड्स आर ऑल द काइंड्स ऑफ ऑयल और मिल्क और जूसेस दिस आर कंज्यूम्ड एज एन एडिबल लिक्विड बट सम ऑफ़ द लिक्विड्स आर डेंजरस एंड वी शुड बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग देम। एंड दीज डेंजरस लिक्विड्स आर लाइक पेट्रोल डीजल कैरोसिन दीज आर वेरी हार्मुल इफ मिसह हैंडल्ड बहुत जल्दी ये कैच करते हैं फायर को इसलिए इनको यूज़ करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज गैस एज यू कैन सी हि दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ गैस यू कैन सी ही बिटवीन द मोलिक्यूल्स देर आर देर इज स्पेस एंड द स्पेस इज लार्जर दैन द लिक्विड मोलिक्यूल्स लिक्विड में जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल से उसके कंपेरेटिवली ये मोलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन मूव फ्रीली एवरीवेयर बिकॉज ऑफ दिस फ्यूम्स आर देयर इन दार एंड द गैस इज कमिंग अपवर्ड इट मीन्स ये कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर लेती है क्यों क्योंकि मोलिक्यूल्स इनके एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोट करते हैं फ्लो करते हैं दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं या धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है ऐसा क्यों होता है बिकॉज़ बर्न करने के बाद में धूपबत्ती या अगरबत्ती के जो फ्यूम्स निकलते हैं जो धुआँ निकलता है दैट इज़ द गैसियस फॉर्म वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इसलिए वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह तक जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं जा सकते हैं वहाँ तक हमें उसकी स्मेल आती है ठीक ऐसे ही जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो परफ्यूम की स्मेल हमें बहुत दूर तक आती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत दूर तक चले जाते हैं फैल जाते हैं वो एयर में फ्लो करने लगते हैं दैट्स वाई हमें उनकी स्मेल आने लगती है सो वी कैन सी मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑल दीज आर गैसेस नाउ यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाई अ मैटर इज सॉलिड लिक्विड और गैस इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है गैस में वो लिक्विड के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए ये बहुत जल्दी फ्लो कर जाते हैं या फ्लोट कर जाते हैं कंपेरेटिवली इन लिक्विड एंड बोथ ऑफ देम हैव फ्लोटिंग प्रॉपर्टी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस जैसा कि अभी आप लोग को मालूम हुआ कि अरेंजमेंट क्या है मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह से तीनों सॉलिड लिक्विड एंड गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं या अरेंज होते हैं वो उनकी स्टेट को डिसाइड करते हैं और उसी बेस पर हम मैटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं चलिए डिस्कस सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड दैट्स वाई दे हैव डेफिनेट शेप And volume they cannot be pressed and they do not flow but in liquids the particles or molecules are very they are not closely packed so they don't have any fixed shape but they have definite volume and they have tendency to flow from one place to another because of the arrangement of molecules they have intermolecular space

That's why they are called as fluids. It means the tendency of flowing from one place to another in liquid and gases are known as fluids. जब हम fluid को गर्म करते हैं, तो molecules बहुत rapidly flow करते हैं, क्योंकि उनके बीच में force बहुत कम काम करने लगता है. So सॉलिड्स में ये नहीं होता है नाउ फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन सी हेयर द पिक्चर दिस इज द्लाज्मा स्टेट एंड इट इज प्रेजेंट इन स्टार्स यू विल नो अबाउट इट इन द लेटर क्लासेस जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आप इस स्टेट के बारे में जानेंगे सो चिल्ड्रेन दट्स ऑल इन दिस वीडियो द रेस्ट ऑफ द पार्ट Of this chapter, we will know in the next video. Till then, thanks for watching. Take care.